हम अभी जा रहे हैं हिडिंबा माता टेम्पल और हमारा यात्रा शुरू हो गया है मॉल रोड मनाली से। जी हाँ, हिडिंबा देवी मंदिर मनाली मॉल रोड से अराउंड 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस में है। हम यहाँ से कैब लेके गए थे, यहाँ पर एक्चुअली ऑटो को पूछा, ऑटो ने 200 to 300 बोला और आपको कैब मिलेगा, सुमो ऐसा भी मिल जाएगा आपको 500 में मॉल रोड टू हिडिंबा मंदिर तक पहुँचा देगा। हम लोग चल रहे हैं रास्ते में, यहाँ पे रास्ते में एक छोटा सा मंदिर भी आया है, दुर्गा माता की मंदिर। हिडिंबा देवी टेम्पल एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। ये मनाली में सबसे लोकप्रिय मंदिरों से में एक है। एक्चुअली हिडिंबा मंदिर पांडव के दूसरे भाई भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है। हिडिंबा एक राक्षसी थी जो अपने भाई हिडिंबा के साथ इस क्षेत्र में रहती थी। उसने कसम खाई थी कि जो कोई उसके भाई हिडिंबा को लड़ाई में हरा देगा वही ही उसके साथ अपना शादी करेगी। उस दौरान जब पांडव निर्वासन में थे तब पांडव के दूसरे भाई भीम ने हिडिंबा की यातनाओं और अत्याचारों से ग्रामीणों को बचाने के लिए उसे मार डाला और इस तरह महाबली भीम के साथ हिडिंबा का विवाह हो गया। हमें यहाँ पर याक भी देखना मिला है, यहाँ पे बहुत सारे याक है, आप याक के ऊपर सवार कर सकते हैं। याक एक माउंटेन काऊ का वैरायटी है। फाइनली हम हिडिंबा माता टेम्पल में पहुंच गए, आप देख सकते हो बहुत सारी भक्तजन माता जी का दर्शन में आए हैं। ब्यूटीफुल व्यू है, बड़े बड़े पेड़, जंगल के बीच में मंदिर है। हिडिंबा देवी मंदिर की पहली खासियत यह है कि मंदिर को पेगड़ा शैली में बनाया गया है जिसकी वजह से ये सामान्य मंदिरों से काफी अलग है। ये मंदिर लकड़ी से बनाया है और इसमें चार छते हैं जो आप देख सकते हो। हिडिंबा देवी मंदिर 40 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का है और मंदिर की दीवारें पत्थरों से निर्मित है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी भी हो रखी है। नीचे फ्लोर में भी बहुत सारी स्नो जमा है, एक्चुअली ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो चुका है, उस वजह से हमारा पैर फिसल जाते हैं, तो आराम आराम से चल रहे हैं। आपको मंदिर चारों तरफ से घुमा घुमा के देखा रहा हूँ। जो मेरा पीछे बैकग्राउंड में हिडिंबा माता टेम्पल और साथ में आप देख सकते हो दुंगरी वन विहार। अभी हम दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से आगे का वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अलाउड नहीं है अंदर का। यहाँ पे हिमाचल का जो मनाली का ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म भी मिलते हैं। फाइनली हमने यहाँ पे ड्रेस ले लिया है, यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस यूनिफॉर्म ले लिया है और इसका चार्ज रहेगा पर पर्सन 100 रुपीज, आप यहाँ से आके ले सकते हो।
हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे यहाँ का लोकल यूनिफॉर्म पहन कर फोटो शूट कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हम दुंगरी वन विहार का गेट में ही खड़े हैं। हम अंदर जाएंगे और अंदर का जो भी व्यू है, जैसा भी है, लोकेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। हम अंदर जा रहे हैं, वन विहार के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट का बोर्ड है। यहाँ पे एक्चुअली छोटे बच्चे के लिए 5 रुपीज एंड बड़े लोगों के लिए 10 रुपीज टिकट का दर है। टिकट करके हम अंदर पहुंच गए। अंदर चल रहा हूँ, आप देख सकते हो अंदर का टोटल व्यू जैसा भी है, हूबहू आपको दिखाने वाला हूँ। इस वन विहार में माता हिडम्बा और उसका भाई हिडम्ब राक्षस रहते थे। माता हिडम्बा ने तपस्या किया हुआ जंगल है और यहाँ पे अभी तो वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, लेकिन उस टाइम में था होगा, पता नहीं। बहुत शांत एरिया है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट है। मूड फ्रेश करने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो, मुझे तो सही लगा। आगे की तरफ हम चल रहे हैं। बहुत सारे बैनर है जहाँ पे वन विहार के बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वाइल्ड एनिमल्स नहीं है। ये मॉल रोड से पास में ही चारों तरफ बस्तियां हैं और बीच में एक वन विहार, एक पार्क है, बढ़िया सा है। सीढ़ियां से चढ़ के थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। अभी फाइनली हम वन विहार के अंदर है और वन विहार हिडम्बा माता टेंपल के साथ में है। एक्चुअली वन विहार के अंदर बड़े बड़े पेड़ है और पार्क है, घूमने के लिए बढ़िया जगह है, एक मेडिटेशन करने के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेस है। ये वन विहार के अंदर ही आपको जूस और नॉर्मली ब्रेकफास्ट नाश्ता के लिए छोटा सा कैफे भी है। एक्चुअली वन विहार का हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी किसी से पूछ के आप इन्फॉर्म करूँगा। मनाली मॉल रोड से अराउंड 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हिडम्बा माता टेंपल है और हिडम्बा माता टेंपल की पास में वन विहार है। अभी वन विहार में हम आ गए हैं माँ हिडम्बा की सरोवर के सामने। आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड में माँ हिडम्बा की सरोवर, जो अभी विष्णु की वजह से फुल्ली फ्रोजन है। यहाँ पे कुछ नोटिस भी लिखा है इस पवित्र स्थान में। वाह वाह, एक्चुअली बढ़िया एरिया है, मजा आ रहा है। इस हिडम्बा सरोवर में माँ हिडम्बा इस पानी को यूज करती थी यहाँ पे स्नान करने का और ध्यान करने का काम भी करती थी। बड़े बड़े पेड़ है, बहुत घना जंगल के बीच में है ये सरोवर। यहाँ पे हमारा अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पार्क घूम रहे हैं, आप देख सकते हो। जो भी है, हम लोग ने फुली एंजॉय कर लिया और जैसा सोच के आया था उससे भी कुछ ज्यादा बेटर मिल गया हमें।